उनको निपटाना जरूरी है, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। एक तो एक के बाद एक आ रहे हैं यार, कैसे आ रहे हैं? मुझे तो लगा था मेरी बॉस फाइट हो गई लिजर्ड से, लेकिन इसने तो मेरी हेल्प कर दी। इस बेचारे को तो वैनम ने यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है और इसके लिजर्ड मैन को मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है। लेकिन मुझे ध्यान रखना कि स्विच एक और बार ऑन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मेरी जेन मर जाएगी। ठीक है, ये रहा स्विच। ओपे भाई, इसने स्विच ऑन कर दिया। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं स्पाइडरमैन। पिछले एपिसोड में पुलिस हमें चेस कर रही थी, उनसे बचते बचते हम एक जगह पहुंचते हैं जहां पर हमें ब्लैक कैट मिलती है और बताती है कि टाइम स्क्वायर की बिग स्क्रीन पर वैनम स्पाइडरमैन को कोई मैसेज दे रहा है और दूसरी तरफ राइनो ने ओमनीटेक में तबाही मचाई है। तभी बिग स्क्रीन पर हमें वैनम दिखाई देता है और बताता है कि उसने स्पाइडरमैन की वाइफ मैरी जेन को किडनैप कर लिया है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। सबसे पहले हम ओमनीटेक में जाकर राइनो से फाइट करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत से इनोसेंट लोग भी थे जिन्हें राइनो नुकसान पहुँचा सकता था। जब हम वहाँ पर ब्लैक कैट के साथ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक और डिवाइस को चोरी करके ले जाया जा रहा होता है। तभी पीछे से राइनो आकर ब्लैक कैट को हिट करता है और उसे कहीं दूर फेंक देता है। हमारी राइनो से एक ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें हम फाइनली उसे हरा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस के साथ डॉक्टर ऑक्टेवियस भी था जो अपने नए इक्विपमेंट के साथ आया था। वो राइनो को अपने साथ पता नहीं कहाँ ले जाता है। दूसरी तरफ ब्लैक कैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी राइनो के अटैक की वजह से। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था बल्कि कोई मिस्टीरियस विलन था। इसके बाद हम वैनम को ढूंढने निकलते हैं, लेकिन हमें वैनम को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वैनम खुद हमारे पीछे आ जाता है। हम वैनम को काफ़ी देर तक चेस करते हैं और फाइनली हमारी वैनम से फाइट होती है, जिस फाइट में हम उसे हरा देते हैं। लेकिन हारने के बाद वैनम सीवर्स में भाग जाता है जहां पर हम उसका पीछा करते करते पहुंच जाते हैं। वहां पर हमें कुछ नए विलन्स दिखते हैं जो कि थे लिजर्ड मैन, जिनसे हम फाइट करते हैं। उनका सामना करते करते हम वैनम के पास पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन वैनम एक ट्रेन पर सवार होकर भाग जाता है। तो आज हम वैनम को चेस करने वाले हैं सबवे में और उससे शायद फिर से आज हमारी फाइट हो सकती है। आज हमें मैरी जेन को भी बचाना है, तो गेम को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपको मेरी गेम प्लेस पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। सो लेट्स गो। ठीक है, तो ये रहा वैनम और ये फिर से गायब हो गया। अभी मैं चलती ट्रेन के ऊपर हूँ और वैनम शायद पीछे से अटैक कर सकता है, पता नहीं। ये देखो, नहीं ये वैनम नहीं, लिजर्ड मैन है गाइस। ये लिजर्ड मैन लिजर्ड के आदमी है, तो मुझे इनसे फाइट करनी है। मुझे लगता है यहाँ पर शायद मेरी फाइट एक और बॉस से होने वाली है जो कि और कोई नहीं बल्कि लिजर्ड है, क्योंकि उसके आदमी से मेरी फाइट हो रही है, तो ऑब्वियसली उससे भी मेरी फाइट होने ही वाली है। पहले मुझे इन सब से निपटना है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे इनसे बचकर रहना है। और अभी मैं चलती ट्रेन के ऊपर हूँ, मुझे ध्यान रखना है कि मैं नीचे ना गिर जाऊँ। अगर मैं नीचे गिर जाऊँगा तो गेम ओवर हो जाएगा और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता गेम ओवर हो जाए। ये ट्रेन कुछ दूर जाकर शायद रुक जाएगी अपनी डेस्टिनेशन पे, और तब तक मुझे इस ट्रेन के ऊपर स्टे करना है। वैनम का है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, हो सकता है उससे मेरी फाइट ट्रेन के ऊपर हो। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, पहले तो एक के बाद एक लिजर्ड मैन पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। इनका अड्डा है सीवर्स, पता नहीं कितने भरे होंगे सीवर में। इससे पहले भी मैं काफ़ी लिजर्ड मैन को मार चुका हूँ, अभी भी ये आते ही जा रहे हैं और मेरा आर्मर भी ख़त्म हो गया। ओ तेरी, आर्मर ख़त्म होने के बाद मेरी हेल्थ कितने जल्दी जा रही है। इससे हमें यह पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और कितने ऐसे हैं यहाँ पर पता नहीं। फिलहाल मैं पावरफुल अटैक्स का यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि वेब डोम। वेब डोम मेरे लिए एक शील्ड का काम भी करती है और एक एरिया स्प्लैश का काम भी करती है शील्ड। वैसे एक अच्छी चीज़ है कि ट्रेन पे बार बार हेल्थ मुझे मिल रही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मुझे थोड़ा सेफली इनका सामना करना होगा, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि और कितने आने वाले हैं जिनसे मुझे फाइट करनी होगी। ट्रेन बस अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाली है और वहाँ पर शायद मैरी जेन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मैरी जेन मुझे इतने आसानी से मिल जाएगी। वैनम मुझे इतने आसानी से मैरी जेन को बचाने नहीं देगा, ज़रूर उसने वही प्लान बनाया होगा मुझे रोकने के लिए, तो ये तो उससे मिलकर ही पता चलेगा। पहले मुझे सबको मारना है,
बहुत सारे हैं गाइस, बहुत सारे। उई अभी मैं गिर जाता नीचे, लेकिन बच गया। यहाँ पर बहुत सारे हैं, इनको मारना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनको मैं ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। क्या मैं डेस्टिनेशन पे पहुँच गया? इसको भी मारते हैं मैंने, ठीक है। अब क्या होने वाला है? मैंने मार दिया। यहाँ पर फाइट होगी क्या मेरी से? गाइस वैनम ने मुझे पता नहीं कहाँ फेंक दिया। ये मैं कहाँ गया? मैं पहले अंडरग्राउंड था, अब और अंडरग्राउंड आ चुका हूँ। भाई सीवर में ऐसी जगह किसने बनाई है? यहाँ पर तो एक अलग सी सिटी बनाई हुई है। बहुत बड़े एरिया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लाल यहाँ पर फिर से लिजर्ड मैन है, हो सकता है यहाँ पर मेरा सामना लिजर्ड से हो। ठीक है आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बड़ी जगह है। पहले मैं सीवर में आया था, अंडरग्राउंड आया था, सीवर के बाद मैं और अंदर आ चुका हूँ। कितना अंडरग्राउंड जाना है मुझे? नर्क में भेजेंगे क्या ये मेरे को? यहाँ पर बहुत सारे हैं, तीन तो ये हैं। इनके लिए सबसे बढ़िया है वेब ग्लव्स, वेब ग्लव्स से ज़्यादा डैमेज इन्हें पहुँचता है। और एक और मूव है जो जिसका यूज़ मैंने किया ही नहीं काफ़ी टाइम से, वेब पुल, तो अब से मैं उसका भी यूज़ करूँगा। ठीक है यहाँ पर रास्ता बंद है तो मुझे जाना कहाँ पर है? यहाँ पर हेल्थ वगैरह पड़ी है, इनको मैं ले लेता हूँ। सामने कुछ साफ दिख नहीं रहा है, शायद मुझे सामने ही जाना है। हेल्थ पड़ी हुई है, ठीक है हेल्थ मेरी फुल है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिज़र्ड्स आ गए, लिज़र्ड मैन। मैं इनके पास नहीं जाऊँगा, इनको अपने पास लाऊँगा। ये ले, ठीक है एक कम हो गया, दो और बचे हुए हैं। मुझे कोशिश करनी है कि ये मुझे हिट ना करें, क्योंकि इनके हिट करने से मेरी बहुत सारी हेल्थ जाती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ये, इतने पावरफुल हैं तो इनका बॉस लिज़र्ड कितना पावरफुल होगा ये तो उससे सामना होने पर ही पता चलेगा। ठीक है यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या सामने? एक लीवर है, नीचे पानी है। लीवर ये स्विच मैंने डाउन कर दिया, पानी नीचे चला गया। वेट, तो शायद मुझे यहाँ से नीचे ही जाना है। कैसी जगह बनाई हुई यार यहाँ पर, सीवर में ऐसा कुछ भी होता है क्या? मुझे तो पहली बार पता चल रहा है इस गेम को खेल के। आगे एक और स्विच है, एक नहीं यहाँ पे तीन स्विच हैं। तीन स्विच किस लिए? इनको डाउन करके ही पता चलेगा। एक गेट ओपन हुआ है और ये कहाँ का है पता नहीं। ठीक है लिज़र्ड मैन भी आ चुके हैं कुछ, इनको फटाफट निपटाता हूँ और देखता हूँ कौन सा गेट ओपन हुआ है, मुझे जाना कहाँ पर है। आ जा इधर, किसी को नहीं छोड़ूंगा इनमें से। वेब टू इतने मरते जल्दी नहीं है, इनको दो बार मारना पड़ता है। ठीक है नहीं ये नहीं मारा, गया। अब यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन पहले मैं स्विच डाउन कर देता हूँ, क्योंकि तो पानी का लेवल है अभी वो ऊपर है, मुझे उसे नीचे करना होगा तभी मैं नीचे जा पाऊँगा। और ये पानी का लेवल शायद थोड़ी देर के लिए ही नीचे जाता है, उसके बाद वापस ऊपर आ जाता है। इससे पहले कि पानी का लेवल ऊपर आए मुझे जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए। ओके तो सामने का गेट शायद ओपन हुआ था। ये तो बहुत आसानी से मर गया, वेब पुल इतना डेंजरस है कि। आगे बढ़ते हैं, देखना है आगे क्या है। यहाँ पर एक और लीवर है, यहाँ से भी मुझे शायद नीचे जाना है, तो चलते हैं फटाफट आगे। ध्यान से पानी में नहीं गिरना है, सीवर का गंदा पानी है, मेरी कॉस्ट्यूम गंदी हो जाएगी। ओके यहाँ पर फिर से स्विच है और यहाँ पे लिज़र्ड मैन भी हैं। सबसे पहले इनसे मुझे निपटना है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे तो मैं अपना काम आसानी से बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा। पहले मुझे इनको ठिकाने लगाना होगा।
ओए यार ये खाते क्या हैं, बहुत ज़्यादा पावर है इनके पंच में। ठीक है यहाँ पे तीन लीवर और हैं, तीनों को मैंने डाउन कर दिया। ये कौन सा गेट ओपन हुआ है, ये पता नहीं कौन सा नया एरिया अनलॉक हुआ है। ठीक है देखते हैं कौन सी जगह है, यहाँ से फटाफट निकलते हैं। वैनम पता नहीं कहाँ पर होगा, मैरी जेन उसने कहाँ पर छुपाया होगा, अभी तो ये सब मुझे पता करते हैं। ये सीवर्स वैसे भी बहुत बड़ी लोकेशन है, पता नहीं कहाँ पर होगी मैरी जेन। फिलहाल तो आगे रास्ता बंद है यहाँ से नीचे। ओके तो यहाँ पर एक और स्विच है, इसको मैंने डाउन कर दिया। पानी का लेवल कम हो चुका है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ ये फटाफट यहाँ से। अरे आगे रास्ता बंद है, ठीक है ऊपर जा सकता हूँ मैं। ओके ये मैं कहाँ पे आ गया भाई, यार ये सीवर में आखिर ये है क्या, ये सारा गंदा पानी है सीवर का, सीवर के अंदर ऐसा होता है क्या? मतलब सिटी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा इनका सीवर है। फिलहाल तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे वेब कार्टेज पड़ी है, हेल्थ पड़ी है, क्या यहाँ पर मेरी बॉस फाइट होने वाली है? लग तो ऐसे रहा है कहीं लिजर्ड तो नहीं आएगा इस पानी में से, बॉस फाइट तो नहीं होने वाली है ना मेरी। ओके सामने ये क्या है? ओके तो ये कोई स्विच है जिसको मैंने ऑफ कर दिया, इससे क्या होगा? फिलहाल तो यहाँ पे लिजर्ड मैन आ चुके हैं, इनसे मुझे निपटना होगा। ये लो पानी का लेवल थोड़ा कम हुआ, ये सीवर का जो पानी था उसका लेवल कम हुआ इस उस स्विच को ऑफ करने से। और यहाँ पर एक और है, तो मैं समझ चुका हूँ जो ये पानी का लेवल है मुझे इसको पूरा डाउन करना है, उसके लिए मुझे इन स्विचेस को ऑफ करना है। दो तो मैंने कर दिए, और होंगे क्या? अब ये तो पता चलेगा आगे चलकर। यहाँ पर शायद एक और है, ठीक है तीन स्विच मैंने ऑफ कर दिए, मुझे लगता है चार होने चाहिए, एक और होगा तो फटाफट उसको भी ऑफ करते हैं। और अभी मैं लिजर्ड मैन से फाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले मेरा मेन काम है इन स्विच को ऑफ करना। ठीक है मेरा काम हो चुका है, अब इनसे फाइट करेंगे। फिलहाल तो पानी का लेवल पूरा ही नीचे जा चुका है, शायद अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है, आगे का रास्ता नीचे ही से। ये क्या कर रहे हैं लिजर्ड मैन, वे खाएगा क्या मुझे? ओ भाई हेल्थ मेरी खा गए, मुझे नहीं खा पाए लेकिन मेरी हेल्थ खाई ली इसने। यार ये सच में बहुत ज़बरदस्त है, मतलब तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक तो भीड़ में आते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको निपटाना ज़रूरी है तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो एक के बाद एक आ रहे हैं यार, कैसे आ रहे हैं? पानी का जो लेवल था वो तो मैंने डाउन कर दिया, ये आ कहाँ से रहे हैं? वेब ग्लव्स से मारूंगा इनको। दो और बचे, ओपे यार नहीं, एक के बाद एक आ रहा है, मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है तो यहाँ से मुझे ठीक है आगे बढ़ना है। अब मैं और कितने अंडरग्राउंड आ चुका हूँ, ये देखो वैनम लेफ्ट में गया, पहले इनसे निपट लेता हूँ। वैनम मुझे बता रहा है, मुझे हिंट दे रहा है कि मुझे जाना कहाँ पर है, वो चाहता है कि मैं उसका पीछा करूँ। और वो गुस्सा इसलिए क्योंकि उसे लग रहा है कि साइंस एक्सपो में हाइस्ट करने वाला स्पाइडरमैन मैं था, जबकि वो मैं नहीं कोई और था। लल यहाँ से मुझे आगे बढ़ना, ठीक है तो ये पानी का लेवल अप और डाउन होगा, जब डाउन होगा तो मुझे आगे बढ़ना है और जब अप होगा तो मुझे क्या करना है? वैसे थोड़ा सा स्पेस बनाया हुआ है मेरे बचने के लिए, हाँ यहाँ पर मैं बच सकता हूँ। ठीक है पानी का लेवल डाउन हो चुका है लेकिन नहीं, मुझे अभी आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना है, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। जैसे ही लेवल अप होगा और फिर डाउन होगा फिर मैं आगे बढ़ूँगा। ओके जैसे आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या वैनम यहीं से भाग कर गया होगा, पता नहीं।
देखना पड़ेगा, फटाफट यहाँ से निकलना चाहिए। और शायद मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ, यहाँ पर वेनम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ पर मैरी जेन होगी या नहीं होगी, और कोई तो नहीं यहाँ पर लिजर्ड मैन है मेरा वेलकम करने के लिए बैठे हुए, इनका वेलकम मैं करूँगा वेब क्लब से। ठीक है, ओ भाई अब ये क्या है, ये क्या बनाया हुआ है भाई सीवर में, तो कोई सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ है इन्होंने, जो पक्का लिजर्ड का अड्डा है सीवर, उसका अड्डा है ही, उसने कितना एडवांस बनाया हुआ है सीवर को। लाले पानी का लेवल जैसे डाउन होगा मुझे आगे बढ़ना है, शायद मुझे इसमें गिरना नहीं है, अगर मैं गिरता हूँ तो फिर मेरा गेम ओवर हो जाएगा। वैसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर फिर से एक और लीवर है, इसको डाउन करना है। पानी का जो लेवल है वो नीचे जा चुका है, वैनम भी पीछे से आ गया मेरे, ये पीछे से आगे चिढ़ा रहा है मेरे को, मतलब फेस टू फेस तो लड़ नहीं सकता है इसलिए पीछे से आके मार के भाग जाता है। यहाँ से मुझे नीचे जाना है, लेकिन आराम से पहले मैं देख लेता हूँ क्या मैं नीचे जा सकता हूँ, ये क्या पानी है क्या, अच्छा नहीं फ्लोर है, यहाँ पर लिजर्ड मैन है, फिर से इनसे निपटना पड़ेगा यार, ये बहुत परेशान करते हैं, इन सबसे पहले मैं निपटता हूँ और फिर मुझे निपटना है वैनम से। भाई ये क्या रिंग जैसी लग रही है मेरे को, यहाँ पर फाइट तो नहीं होने वाली है, बॉस फाइट। हेल्थ में अपनी फुल कर लेता हूँ, वैसे तो फुल ही है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे बॉस फाइट होने वाली है शायद। ठीक है देखते हैं, पहले तो उन चमचों को मुझे मारना है, ये लिजर्ड मैन दो थे दोनों को मारते लीवर। ठीक है इससे क्या हुआ, लीवर एक्टिवेट करने से ओ एक रास्ता अनलॉक हुआ है, यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इधर रास्ता बंद है, यहाँ पे भी रास्ता बंद है, तो मुझे जाना है सीधे आगे। Where are you? ये रहा वैनम, फिर से भाग गए वो भाई, फोर लेयर प्रोटेक्शन है क्या ये? Mary Jane won't last much longer. बोल रहा है कि मैरी जेन के पास बहुत कम टाइम है, यहाँ पर ये क्या सीन है? ओके तो यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, उनका राइट कॉम्बिनेशन मुझे बैठाना है, तभी मैं उन डोर्स को ओपन कर पाऊंगा जिनके अंदर वैनम है। तो फोर गेट थे और यहाँ पर ऐसे स्विचेस हैं, मुझे इनका एक सही कॉम्बिनेशन बैठाना है। नीचे बहुत सारा पानी है, मुझे नीचे बिल्कुल नहीं गिरना है। ओके गाइस तो यहाँ पर टोटल चार स्विचेस हैं और उनका मुझे सही कॉम्बिनेशन बैठाना है, तभी मैं उन चारों गेटों को ओपन कर पाऊँगा और शायद मुझे चार गेट्स को ओपन करने के लिए दो स्विचेस का यूज़ करना है। एक स्विच से मैं दो गेट ओपन कर सकता हूँ, तो पहले मैं देख लेता हूँ मुझे कौन कौन से स्विचेस का यूज़ करना है। तो एक स्विच मेरे सामने है, सबसे पहले मैं सामने चलता हूँ, इस स्विच को एक्टिवेट करने से गेट नंबर 1 और 3 ओपन हो जाएंगे। अब बचा गेट नंबर 2 और 4, तो मुझे ऐसा स्विच ढूंढना है जिसकी हेल्प से मैं गेट नंबर 2 और 4 को ओपन कर सकूँ, और ये रहा मेरे सामने ही तो है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसको यहीं से एक्टिवेट करता हूँ वेब की हेल्प से। ओके चारों गेट मैंने ओपन कर लिए, अब मेरे को यहाँ से निकलना है। वैना मेरी तारीफ कर रहा है, बहुत समझदार और बहुत तेज़ दिमाग के हो तुम। ठीक है पकड़ते हैं वैनम को, अब बस वो और ना भगाए और फाइनली मुझसे फाइट करे। अरे गेट बंद है क्या यहाँ पे, अच्छा ये रहा, यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पर वैनम नहीं है, हाँ वो यहाँ पर बैठ के करेगा भी, वो तो भाग गया होगा। ये मैं कहाँ आ गया अब, ये रहा वैनम, तो यहाँ पर मेरी बॉस फाइट होने वाली है इससे, इसको इस बार मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, अरे कहाँ गए ये, तो भाग गया शायद फिर से। आगे एक रास्ता है, हाँ मैं आगे जा सकता हूँ,
यार मतलब वैनम को भी पता है कि ये मुझसे फेस टू फेस मतलब वन ऑन वन बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए भाग रहा है। अब पता नहीं मुझे और कितने आगे जाना होगा, कहाँ तक उसे चेस करना होगा। अभी तक मैं उसको चेज ही कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं उसे चेज ही कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो राइनो था जिसने फाइट कर ली थी मुझसे, भले हार गया था लेकिन फाइट तो की। तो भाग रहा है यार, मतलब दिमाग ख़राब कर रहा है मेरा तो। ठीक है पता नहीं और कहाँ होगा वो, और कितने आगे भागा होगा, और मुझे उसे कितना चेज करना होगा। ये देखो ये है वैनम, ताने मार रहा है मेरे को, मतलब ये चाहता है मुझे गुस्सा आ जाए और मैं गुस्से में कुछ ऐसा कर दूँ जिससे इसे फ़ायदा मिले। ये रहा, उसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक तो भगा रहा है मेरे को बस, इसको मैं खुद को पकड़ने नहीं दूंगा, इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये देखो फिर से भाग गया, कहाँ भागा होगा ये। ठीक है यहाँ से आगे बढ़ता है, मैं दूसरी साइड से बाहर आ चुका हूँ। ये टनल है यहाँ पर, मुझे आगे बढ़ते रहना है यहाँ से। मुझे पता नहीं, ओ भाई ये तो लिजर्ड है। स्पाइडरमैन, वेनम हैज इम्प्रिजन्ड मी एंड हैज टेकन माय लेयर, नाउ ही इज यूजिंग माय लिजर्डमैन अगेंस्ट यू। नो, he's also imprisoned that Parker woman. Where is she? She's in the lair at the end of the maze. There's only one way to get there. Go back along this tunnel and cross over two waterways. At the third waterway, go right. Follow it around the corners, past the machinery, skip the first tunnel intersection, then go right at the next one. You will find the woman there. Thanks, Lizard. Okay guys, मुझे तो लगा था मेरी बॉस फाइट हो गई लिजर्ड से, लेकिन इसने तो मेरी हेल्प कर दी। इस बेचारे को तो वैनम ने यहाँ पर बंदी बनाया हुआ है और इसके लिजर्ड मैन को मेरे अगेंस्ट यूज कर रहा है। और लिजर्ड ने मुझे बताया कि मैरी जेन को भी वैनम ने कहीं पर तो किडनैप करके रखा हुआ है, और इसने कोई लोकेशन मुझे बताई थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग सा था। पता नहीं कहाँ पर मैरी जेन को छुपाया हुआ है वैनम ने, मुझे ढूंढना होगा उसे। ठीक है तो यहाँ पर लिजर्ड ने मेरी हेल्प की, मुझे तो लगा था भाई इससे मेरी बॉस फाइट होगी, बेचारा तो खुद बंदी बना हुआ है यहाँ पे। ओके मेरे को फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, मैं घूम रहा हूँ बार बार एक ही जगह, मुझे ध्यान से देखना चाहिए था कि लिजर्ड ने मुझे बताया क्या था। उसने कहा था दो वाटर वेज क्रॉस करो फिर तीसरे पे राइट जाओ, मैं वही फॉलो कर रहा हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ। वह ना मुझे मोटिवेट कर रहा है कि ताने मार रहा है, पक्का ताने ही मार रहा है, ये तो सीधी सी बात है। ये मेज़ है गाइस, ये बहुत बड़ी मेज़ है। ये मेरे से ऐसी क्या बात कर रहा है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ भाई, हॉट कॉम्प्लीमेंट दे रहा है क्या। ये देखो भाई बहुत चालाक है ये, वन ऑन वन तो मुझे मार नहीं सकता, हिट नहीं कर सकता, इसलिए पीछे से आके हिट कर रहा है और भाग रहा है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फाई हो रहा है ये करने से। पता नहीं मुझे जाना कहाँ पर है। ओके फाइनली मैं पहुंच गया क्या। ओके शायद मैं पहुंच चुका हूँ। ये क्या, ये तो मैरी जेन है। मैरी जेन, यू मेड इट वेनम। I'd let you see your wifey poo, but she's in the bath right now. So, what do you say, Spunky? Let's finish this. Okay, तो यहाँ पर एक वाटर टैंक है जिसके अंदर वैनम ने मैरी जेन को लटकाया हुआ है, और ये लीवर है जिनकी हेल्प से ये पानी के लेवल को अप करता है। तो मुझे ध्यान रखना है कि वैनम कोई भी लीवर एक्टिवेट ना कर पाए, मतलब ये स्विचेस हैं इन्हें ऑन ना कर पाए।
और अगर वो ऑन कर भी दे तो मुझे ऑफ़ करना है। पानी का लेवल कम रहे तो मैरी जेन के लिए उतना ही अच्छा है। ये किसने, ये वैनम था, और कौन हो सकता है भाई। मुझे ध्यान रखना है कि कोई भी स्विच ऑन ना कर दे वैनम। अरे भाई ये क्या कर रहा, मैंने कर दिया स्विच ऑन, और ये क्या भाई, पीछे से आके इसने मेरे पर अटैक कर दिया। यहाँ पर थोड़ा वैनम से लड़ना मुश्किल है क्योंकि मुझे मैरी जेन को भी बचाना है, मतलब दो काम करना है मुझे, मैरी जेन को भी बचाना है और वैनम से भी फाइट करनी है। ध्यान रखना कि कोई स्विच ऑन ना हो जाए, और वैनम से भी फाइट करनी है। अरे कौन सा स्विच है, यहाँ पर एक और स्विच है, मुझे तो लगा था दो ही स्विचेस होंगे, यहाँ पर तो शायद चार स्विचेस हैं। मेरे लिए मुश्किल है, यहाँ पर वैनम से फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं सेंटर में रहता हूँ और चारों ओर देखता हूँ। टैंक में वाटर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, थोड़ा और बढ़ जाएगा तो फिर मेरी जेन नहीं बचने वाली है। अरे एक तो है जगह भी ऐसी है जहाँ पर मैं वैनम को पकड़ नहीं पा रहा हूँ अच्छे से यार, यहाँ पर ये मुझे आराम से हरा सकता है। एक तो मेरी हेल्थ भी बहुत कम है। वो पता नहीं कौन सा स्विच ऑन करने वाला है वो, मुझे ध्यान रखना है वो कोई भी स्विच ऑन ना कर दे। ठीक है फिलहाल तो कोई भी स्विच ऑन नहीं है, आएगा कहाँ से वैनम, बस मुझे ध्यान रखना है, चारों ओर मुझे ध्यान रखना है। एक तो जगह भी ऐसी है ना कि मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ चारों। ये रहा, ये ले, फाइनली इसको हिट किया मैंने। अबे नहीं यार, मैं अपनी गलती की वजह से कभी कभी स्विच को ऑन कर रहा हूँ। मैरी जेन भी सोच रही होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। एक और स्विच ऑन कर दिया क्या यार, ये वैनम आ कहाँ से रहा है। पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, मैरी जेन के पैरों तक पहुँचने वाला है। ठीक है अभी मेरी हेल्थ फुल है। ओबे यार यहाँ पर फाइट करना सच में बहुत मुश्किल है वैनम से। अभी इसकी बहुत ज़्यादा हेल्थ बची हुई है, ये ले। अबे नहीं, फिर से वही गलती कर दी। स्विच मैंने खुद से ऑन कर दिया, मेरी वजह से टैंक में पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है, और दूसरी तरफ वैनम मेरी हेल्थ का लेवल नीचे कर रहा है। इसको छोड़ना नहीं है मैंने बिल्कुल भी। अब बस अगर एक दो बार और स्विच ऑन हुआ तो मेरी जेन बिल्कुल नहीं बचने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। एक चीज़ अच्छी है कि वैनम की हेल्थ भी अभी बहुत कम है। अबे नहीं, फिर से दो तीन बार स्विच ऑन तो मैंने ही कर दिया अपनी गलती की वजह से, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो देखो फिर से, और फिर ये क्या हो गया भाई, अब मैं इस टैंक में कैसे गिर गया, अब मैं ऊपर कैसे जाऊँ। अरे ये क्या हो गया, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। ओके गाइस मैं फाइनली बाहर आ चुका हूँ, पता नहीं ग्लिच था, मैं टैंक में गिर गया था। फिलहाल एक चीज़ अच्छी है कि वैनम की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, अब मुझे बस उसे दो शॉट मारने और उसके बाद उसका काम ख़त्म। लेकिन मुझे ध्यान रखना कि स्विच एक और बार ऑन नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो मैरी जेन मर जाएगी। ठीक है ये रहा स्विच, ओपे भाई इसने स्विच ऑन कर दिया, नहीं ठीक है स्विच ऑफ हो गया। ओके ध्यान से, कहाँ है वो, है कहाँ पे। अबे यार ये मुझे मौका नहीं दे रहा खुद को मारने का, मुझे किसी ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहाँ से मैं चारों ओर देख सकूँ, लेकिन ऐसी कोई जगह है भी तो नहीं ढंग से जहाँ से दिख जाए। ठीक है यहाँ पर से थोड़ा दिख रहा है, ये रहा वैनम, अब इसको नहीं छोड़ने वाला मैं। ये गए फाइनली गाइस, फाइनली मैंने इसे हरा दिया। You should know, Spider-Man. The heist you pulled at the Science Expo. You're the bad guy this time. You idiot! Think, Eddie. Think back to that day. I was with you in the crowd. An imposter Spider-Man was on stage. He burned both of us,
and now we've been played against each other. You're right, partner. Mary Jane! We've got you! You and your wife are innocent, Parker. Our bad. Our bad? Our bad? I'm gonna kill Peter you! Peter Parker! Just get me out of here now! Bummer. You're in the doghouse now, dude. Coming, honey. So, we're partners. But only for now. After we bust those tech thieves, it's payback time for kidnapping my wife. Jeez. One little mistake. We said we're sorry. Yeah. Whatever. Now, the imposter was a shapeshifter, so that means it was either Mysterio or the Chameleon. Hey, Chameleon was our idea. We thought of that. Tell me this, Einstein. Who could have wanted to steal Octavius' technology? Ooh, we know, we know! Who? The Submariner. Submariner? Get serious, will you? The Mighty Thor! Are you out of your mind? Don't answer that. Galactus! Forget it, Eddie. I need Jameson's help on this. We're going to the Bugle. Jameson! We hate Jameson! You bonehead. We're not going to see Jameson. We're going to use his computer database. Ooh, are we gonna surf the web? Let's just go, okay? Okay, guys, तो finally, मेरी और Venom के बीच दुश्मनी खत्म हो चुकी है. अब हम दोस्त बन चुके हैं फिलहाल के लिए. Venom को लग रहा था कि साइंस एक्सपो में हाइस्ट करने वाला स्पाइडरमैन मैं था और एडी ब्रॉक का कैमरा तोड़ने वाला अभी मैं ही था, लेकिन मैंने इसे समझा दिया कि वो मैं नहीं था, वो कोई और था और वैनम ये समझ भी चुका है. तो अब हम दोनों को ये पता करना है कि साइंस एक्सपो में हाइस्ट करने वाला स्पाइडरमैन कौन था. हो सकता है वो मिस्टीरियो था या कैमलन था, पता नहीं कौन सा विलन है. और दूसरा सवाल ये भी है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस की टेक्नोलॉजी को चोरी क्यों किया गया. फिलहाल हमें जाना है डेली ब्यूगल में और वहाँ पर जेमिसन के कंप्यूटर डाटाबेस को चेक करना है. शायद हमें उससे कोई क्लू मिले जिसकी हेल्प से हम थीफ तक पहुँच सकें. तो ये सब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा. तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना. जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में. बाय.